हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एप्टीट्यूड का इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि प्रत्येक कम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपना एक एग्जिस्टेंस रखता है और प्रत्येक कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप ये वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे वो 100% क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट्स बचता है तो इसके फर्दर पार्ट्स हैं, पार्ट 2 पार्ट 3, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, तो जिससे कि आपका कोई भी डाउट्स ना रहे। ठीक है, तो चलिए हम इसे कुछ बेसिक्स पहले स्टार्ट करते हैं, फिर इससे कुछ पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उससे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो करते हैं। तो हमारे क्या है, पहला स्पीड देखते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। तो हम लोग स्पीड को ऐसे डिनोट कर देते हैं और डिस्टेंस को हम डी से डिनोट कर देते हैं, या फिर स्मॉल डी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, एंड टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या हो गया, एस इक्वल टू डी अपॉन टी हो गया। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। पहला कि अगर हम एस इक्वल टू डी अपॉन टी दिया हुआ है, अगर यहाँ पर एस को स्पीड, यहाँ पर दिया हुआ स्पीड को हम अगर कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, तो स्पीड इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो टी परसेंट टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी स्पीड कोई व्हीकल है या फिर आप वॉक कर रहे हैं, तो उसका जो स्पीड आपकी कॉन्स्टेंट है, तो जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। अगर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कम टाइम लगेगा, और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डी परसेंट टू टी हो जाता है। अगर आपका क्या हो गया कि आपने क्या स्पीड को कर लिया, अगर हमने आप क्या डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट कर लिया, अगर डिस्टेंस को आपने कॉन्स्टेंट कर लिया, तो जो आपका स्पीड हो जाएगा, यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगा आपका, डिस्टेंस ये का कॉन्स्टेंट हो गया, स्पीड परसेंट टू क्या हो जाएगा, 1/T हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स के तौर पर समझ लेते हैं, हमारी ये डिस्टेंस है, हमारा डिस्टेंस ये क्या है, डी है, ये केवल हमको इतनी डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, अब इतना डिस्टेंस कवर करना है, अगर हमारी स्पीड परसेंट टू 1/T हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा टाइम हमको ज़्यादा है तो हमारी स्पीड क्या होगा, स्लो होगी, और अगर हमारी टाइम हमारे पास कम है तो हमारे पास स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस हमको केवल इतना कवर करना है और हमारे पास क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या है, स्पीड को अपना कम कर लेंगे। तो स्पीड अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, एक घंटे में जितना भी टाइम दिया होगा वो हम कवर कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास कम है, इस डिस्टेंस हमको इतना ही क्लियर कवर करना है, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है और स्पीड हमारा क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो हमारा अगर टाइम कम है तो हमको स्पीड को बढ़ाना होगा, तभी हम अपने जो हमारा टाइम होगा उसमें कवर कर पाएंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा तीसरा होता है, हमने क्या कर लिया, डी को कॉन्स्टेंट कर लिया, हम क्या करते हैं, टी को कॉन्स्टेंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपका क्या है, टी कॉन्स्टेंट है, टी कॉन्स्टेंट हो गया तो हमारा क्या होगा, एस परसेंट टू डी हो जाएगा। एस परसेंट टू डी मीन्स क्या हो गया कि जब स्पीड होगा, स्पीड आपकी अगर ज़्यादा होगी, स्पीड अधिक होगी, तो क्या होगा, आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे, क्योंकि टाइम क्या है, कॉन्स्टेंट है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि आपका टाइम है आपके पास एक घंटा है, और तो आप क्या है, एक घंटे में अगर स्पीड अपने व्हीकल की या चलने की आप स्पीड बढ़ा देंगे तो आप क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, और आप स्पीड कम कर लेंगे तो क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या कम होगा। तो इस तरह से आप ये थोड़ा सा समझ सकते हैं, बेसिक्स है कि अगर आपका कोई एक कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दिस, इस फार्मूले के अनुसार आप उसको जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है या फिर क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शन दिया हुआ है, उस अकॉर्डिंग ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब इससे हम कुछ इसका यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं कि यूनिट्स का क्या है। जैसे कि हम डिस्टेंस का यूनिट्स मोस्टली हमारा दिया होता है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस का यूनिट हम मोस्टली लेते हैं, इसको हम क्या है, किलोमीटर में लेते हैं, या किलोमीटर में ले सकते हैं, या फिर समटाइम्स इसको दिया होता है मीटर्स में दिया होता है। ठीक है, और हमारा जो टाइम होता है, जो टाइम दिया हुआ है, वो टाइम हमारे क्या है, आवर में भी दिया हो सकता है, या फिर क्या है, सेकंड्स में भी दिया हो सकता है। ठीक है, कोई भी दिया हो सकता है। तो जैसे कि हमारा स्पीड हो जाएगा, स्पीड का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा जो यूनिट्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर टी, टी का क्या हो जाएगा, आवर, तो हमारा एक किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और अगर हमारा क्या है, जो डिस्टेंस है वो हमारे क्या मीटर में दिया हुआ है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, मीटर और सेकंड, अगर जो आप टाइम दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हम दो यूनिट्स को यहाँ पर फॉलो करेंगे, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। ये डिपेंड्स करेगा कि जो हमारे क्वेश्चन में जो डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू दी हुई है वो किस फॉर्म में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है या मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चंस में मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, लेकिन हमको कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में दिया करना है। क्वेश्चंस में कुछ वैल्यूज हमारी मीटर पर सेकंड में दी हुई हैं, कुछ वैल्यूज हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है,
और आवर में दिया हुआ, तो हमको क्या अगर एक दूसरे को इंटरचेंज करना हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमारा मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, हमको नीड है किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, और या फिर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ और हमको नीड है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम क्या है एक डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं, और डायरेक्ट फार्मूला कैसे आता है वो समझ लेते हैं पहले। जैसे कि हमारा क्या है किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि एक किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है एक किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर अपन में क्या आवर दिया हुआ, वन आवर इक्वल टू क्या होगा 60, ये क्या होगा 60 यहाँ पर मिनट हो जाएगा 60 मिनट, लेकिन हमको सेकंड में कन्वर्ट करना, तो एक मिनट बराबर 60 सेकंड, तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ मिनट हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो 1020 1020 और 2 5 10 और 2 3 6, तो यहाँ पर कितना आ जाता हमारा 5 बाई 18 आ जाता और मीटर पर सेकंड हमारे पास ये आ जाता, तो हमारा क्या बन जाता है जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक्स दिया हुआ है, एक्स किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो अगर हमको क्या है तो इस तरह से हम ये मान लेते हैं 5 बाई 18 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं और मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं और इसके थ्रू आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है और हमको कन्वर्ट करना है उसको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे एक्स की जगह पे हम वो वैल्यू रख देंगे जो भी दिया हुआ है, जैसे 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, हम एग्जांपल्स के तौर पर समझ लेते हैं इसको। जैसे कि हम समझ लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ एक्स इक्वल टू दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और हमको इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में हमको कन्वर्ट करना है, तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको बाजार पर तो कन्वेंशनल की 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है और 1 आवर इक्वल टू 60 क्रॉस 60 इतना सेकंड्स होता है, इससे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हम बार बार ऐसा करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा और हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता है, तो हम लोग क्या डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक बार आपसे याद कर लीजिए, तो आप कैसा करेंगे यहाँ पर दिया हुआ एक्स इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, हमारा फॉर्मूला क्या है कि एक्स किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, एक्स किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5x हो गया इंटू ये क्या हो जाएगा, या फिर ये कर लीजिए 5 बाई 18, ये हो जाएगा 5 बाई 18 इंटू एक्स, ये मीटर पर सेकंड, हमको कन्वर्ट करना है 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर इसको लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 18/5 इंटू एक्स, ये किलोमीटर पर आवर इक्वल टू ये एक्स मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू क्या है 10, तो 10 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 18/5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 10, तो ये कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है और 10, तो हम यहाँ पर मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो इसे काट लेंगे तो 5 × 10 ये क्या हो 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, तो हमारे क्या हुआ कि हमने 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, ठीक है हमारे पास दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था और हमको क्या किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था, तो हमने क्या बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हमने इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको और भी कोई वैल्यू दी हो सकती है कि इस तरह से अभी ये दिया हुआ था हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, और हमारे क्वेश्चन में हो सकता है दिया हो किलोमीटर पर आवर दिया हो और को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया मोर ऑफ लेस यूनिट के बारे में, टाइम और डिस्टेंस की यूनिट के बारे में आप कैसे उसका यूटिलाइज करेंगे, और हम इसको फर्दर देखते हैं कि रिलेटिव स्पीड के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारे अब हम देखते हैं थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड के बारे में, रिलेटिव स्पीड जैसे कि दो वाहन दिए हुए हैं, हमारे दो वाहन दिए हुए हैं वो क्या सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, पहला केस बनता है कि जब वो सेम डायरेक्शन में चले, ठीक है सेम डायरेक्शन। रिलेटिव का मतलब क्या है कि जब रिलेटिव हम कंपैरिजन करें कोई दो के बीच में, जैसे कि हमारे कोई वाहन दिया हुआ ये क्या है ए है, ठीक है और ए है और इसका स्पीड कितना है S1 है, ठीक है स्पीड हम इसका S1 कंज्यूम कर लेते हैं, और
सेम डायरेक्शन में दिया हुआ, दूसरा वाहन भी दिया हुआ है जो कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। ये बी दिया हुआ है, इसका स्पीड क्या है, एस टू दिया हुआ है। तो अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। तो इन दोनों की अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ये क्या होगा, एस वन माइनस एस टू। अब जो भी स्पीड अंतर यहाँ पर डिफरेंस कर देते हैं, जो भी स्पीड आपका मोर होगा, एस वन ज्यादा होगा तो एस वन माइनस एस टू हो जाएगा, एस टू ज्यादा होगा तो एस टू माइनस एस वन हो जाएगा। तो जिसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो क्या होगा, एस वन माइनस एस टू हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इस तरह के रिलेटिव स्पीड आपकी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आप इस तरीके ट्रेंस के न्यूमेरिकल्स लगाते हैं कि जब वो ट्रेंस है फेस टू फेस आ रहे हैं या फिर बैक टू बैक जा रहे हैं या फिर इस तरह से न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो वहां पर हमें उसके वहां पर इन प्लेस ऑफ हमें उसका स्पीड लेने की बजाय आपको रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर दो की बात कर रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेम डायरेक्शन के केस में, जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे कि कोई ट्रेन है, ए ट्रेन है, वो क्या है, एस वन स्पीड से डायरेक्शन में जा रही है, उसी सेम डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन एस टू स्पीड से जा रही है, तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एस वन माइनस एस टू हो जाएगा, ठीक है। और हमारा दूसरा दिया हुआ है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, जब वो क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, कि जैसे कि हमारी एक ट्रेन है जो ऐसे जा रही है, उसको इसकी स्पीड क्या है, एस वन है, और जो दूसरी ट्रेन है वो क्या जस्ट अपोजिट जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, जबकि दूसरी ट्रेन वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और इसकी स्पीड क्या है, एस टू दिया हुआ है। तो अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करें तो इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा एस वन प्लस एस टू, इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, एस वन प्लस एस टू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप रिलेटिव स्पीड की बात करें तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों का स्पीड क्या है, एड हो जाएगा, और जब भी वो क्या सेम डायरेक्शन में दिया हुआ तो दोनों का स्पीड क्या होगा, अब माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिलेटिव स्पीड के बारे में देख सकते हैं। और हम एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन मीन्स क्या होगा, जब आप कोई भी व्हीकल है उसका स्पीड चेंज करते हैं तो एक्सीलरेट करते हैं, या फिर आप उसका स्पीड डिक्रीज करते हैं, कोई हाई स्पीड उससे डिक्रीज करते हैं तो एक्सीलरेट होता है। तो आप एक्सीलरेशन का फंडा यहाँ यूज होता है, तो वहां पर देखते हैं फाइनल स्पीड की, जो आप एक्सीलरेशन देख रहे हैं आपको, तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, और यहां पर क्या होगा टाइम, कि जैसे क्या आपने कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ, उस पर्टिकुलर टाइम में आपने स्पीड को इंक्रीज किया या फिर डिक्रीज किया आपका व्हीकल का, तो क्या होगा, अगर आप एक्सीलरेशन की बात करें तो क्या होगा, फाइनल स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आप एक्सीलरेट कर रहे हैं, और एक्सीलरेट की जगह क्या होता है, डीएक्सीलरेट भी हो सकता है, तो वहां पर जो आपकी इनिशियल स्पीड होगा वो ज्यादा होगी, और जो फाइनल स्पीड होगी वो क्या कम होगी। लेकिन एक्सीलरेशन के केस में जो आपकी फाइनल स्पीड होगी वो क्या इंक्रीज होगी, तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। तो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ये क्या है, स्पीड है डिफरेंस, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो इस तरह से आ जाता है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपका हो गया एक्सीलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सीलरेशन का फंडा ये है, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिलेटिव स्पीड के बारे में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कुछ ट्रेन के न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रेन के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और जैसे कि कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को उसने इतने टाइम में पास किया तो उसका स्पीड क्या होगा, या फिर उसे कितना टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को पार करने में, तो हम लोग उसके बारे में डिस्टेंस करते हैं। जैसे क्या है, ट्रेन के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम बेसिक्स पहले जान लेते हैं उसका थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक में टाइम स्पीड और डिस्टेंस में आपको ये वाला फॉर्मूला तो आपको लगेगा ही, एस इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक है, ये इसका बेसिक्स फॉर्मूला है, ये हर जगह अप्लाई होगा। तो आप इसको कई तरह से यूज कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी हो जाएगा, या फिर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस हो जाएगा, मतलब डी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस हो गया या फिर क्या, लेंथ हो गया। तो हम पहले करते हैं कि कोई ट्रेन है, ट्रेन निकल रही है और वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को वो कितने टाइम में पार कर पाएगी, जैसे कोई क्या है, जैसे हम देख लेते हैं टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ट्रेन कितना टाइम लेगी व्हेन
passing a stationary object, जो हमारा जो object दिया हुआ है वो stationary object है, लेकिन जो stationary object है ये without length का है, इसका कोई length नहीं है। अब without length मतलब क्या हो गया? Without length का मतलब हुआ कि हो सकता है कि वहां पर वो ट्रेन जिसको पार की रही है वहां पर कोई पोल लगा हुआ है, ठीक है, तो पोल का एज कंपेयर टू ट्रेन इसका कोई लेंथ नहीं, हम इसका एज्यूम करेंगे, ठीक है, तो या फिर क्या है कोई पोल हो गया या फिर क्या है वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ह्यूमन बींग्स खड़ा हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ट्रेन इतनी स्पीड से आ रही है, कोई भी स्पीड दिया होगा या एस स्पीड दिया हुआ है कि अगर ट्रेन एस स्पीड से आ रही है और वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति को कितने टाइम में पार कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन पासिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उसकी लेंथ का स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का उसका लेंथ क्या है, लेंथ नहीं है उसका, जीरो है। तो हम लोग यहाँ पर टाइम टेकन, तो टाइम बराबर क्या होता है डी अपॉन टी, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपॉन एस। तो हम यहाँ पर पहले बेसिक कन्वेंशन ले लेते हैं थोड़ा कि हम लोग ट्रेन की लेंथ यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, जैसे कि लेंथ ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की लेंथ है हम उसको मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन, तो टी एर हो गया सब इसमें टी हो गया मींस लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, और क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गया और स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड है उसको एस स्पीड हो गया ट्रेन का टी। तो हम क्या डिनोशन इसको नोटेशन हम लोग ये इस तरह से लिख लेते हैं ताकि हमको यहाँ पर फॉर्मूले अपने में यूज कर सकें, ठीक है, ताकि हम कंफ्यूज ना होंगे ये लेंथ किसकी है ये स्पीड किसकी है। और ये क्या होगा ट्रेन का हो गया, अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी हम एल हो गया लेंथ हो गया, ऑब्जेक्ट के लिए सफिक्स में ओ लगा देते हैं तो क्या होगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या होगा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो स्पीड को एस से डिनोट कर दिया ऑब्जेक्ट का ओ लगा दिया, ठीक है। तो हम ये नोटेशन यहाँ पर यूज करेंगे, तो अब यहाँ पर क्या होगा टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस देखेंगे तो हम क्या है अब ट्रेन पार कर रही है लेकिन ट्रेन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पार कर रही है उसका कोई लेंथ नहीं है, तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, केवल ट्रेन का होगा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसका तो कोई लेंथ नहीं है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड, तो स्पीड क्या होगा वो भी क्या ट्रेन का होगा स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा स्टेशनरी है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, वो स्थिर है, इसलिए हमारा क्या होगा टाइम, जो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा ट्रेन को एल टी अपॉन एस टी कितना टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को पार करने में। अब देख लेते हैं हम दूसरा, तो आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे देख लेते हैं टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन पासिंग ए, अब यहाँ पर क्या है ये विदाउट लेंथ हो गया, अब क्या होगा विद लेंथ, विदाउट लेंथ था अब क्या कर देते हैं हम लोग इसे विद लेंथ कर दिया, उससे क्या है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है लेकिन क्या है उसका लेंथ है, अगर उसका लेंथ है तो ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या होगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या लेंथ हो गया एल ओ, तो हमारा क्या होगा टाइम टेकन क्या होगा डी अपॉन एस, ये क्या होगा एल टी प्लस ये एल ओ, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का भी एड कर देंगे। और जैसे क्या विद लेंथ ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है कि ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म दिया हो सकता है कि उस प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पास करेगी, या फिर आपका कोई पुल दिया हो सकता है कि उस पुल को कितने टाइम में पास कर पाएगी, ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। दूसरा वाला दिया हुआ है कि जब ये हमारा ट्रेन पास कर रही है वो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है और उसका लेंथ भी दिया हुआ है, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म को पार किया जबकि प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना दिया हुआ है एल ओ दिया हुआ है, तो हमारा जो टाइम कितना टाइम लगेगा उस टाइम लगेगा एल टी प्लस एल ओ अपॉन एस टी लगेगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड तो केवल ट्रेन का ही है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी है। अब हम बात करते हैं थर्ड की टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन पासिंग ए, अब यहाँ पर क्या है इन प्लेस ऑफ स्टेशनरी की हम जगह पर क्या कर देते हैं मूवेबल, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूवेबल है, ठीक है। और पहले बात करते हैं कि विदाउट लेंथ है, अब जैसे विदाउट लेंथ हो गया, अब मूवेबल लेंथ क्या हो सकता है कि हमारे पास कोई व्यक्ति है वो रन कर रहा है या फिर कोई वस्तु है जो कि मूव कर रही है, ठीक है, वो स्टेशनरी नहीं है मतलब एक जगह पे नहीं है बल्कि कोई मूव कर रहा है, कोई व्यक्ति है मोटरसाइकिल से चल रहा है या इस तरह से है वो भी मूव कर रहा है और हमारी ट्रेन भी मूव कर रही है लेकिन उसका क्या है लेंथ जीरो है, तो इस केस में क्या होगा
अब ये थर्ड केस है, इसमें क्या होगा टाइम टेकन टी, टी इक्वल टू क्या होगा टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में क्या होगा लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसका विदाउट लेंथ है, उसका लेंथ नहीं है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया अपॉन, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर दोनों मूव कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और हमारी ट्रेन भी मूव कर रही है, तो यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड का, क्योंकि अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेन के साथ चल रहा है, पैरेलल में चल रहा है, उसी की सेम डायरेक्शन में, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो स्पीड आएगा वो क्या आएगा रिलेटिव स्पीड आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब दोनों ऑब्जेक्ट अगर यहां पर दिया हुआ सेम डायरेक्शन, मींस अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारी ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमारा सेम डायरेक्शन के केस में क्या होगा जो रिलेटिव स्पीड आएगा वो क्या होगा दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो क्या होगा स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां पर क्या होगा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अब वो दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या होगा दोनों का ऐड कर देंगे, तो क्या स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से हमारा कितना टाइम लेगा टाइम इक्वल टू होगा एल टी मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन क्या रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड डिपेंड करेगा कि वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया, अब आता है हमारा फोर्थ नंबर आता है, फोर्थ में क्या होगा टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन पासिंग ए मूवेबल ऑब्जेक्ट विद लेंथ। अब यहाँ पर क्या है विद लेंथ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव भी कर रहा है और उसका लेंथ भी है, मतलब कि मूवेबल ऑब्जेक्ट हो सकता है कि दो ट्रेन आ रहे हो, वो फेस टू फेस ट्रेन आ रहे हो या फिर वो बैक टू बैक जा रहे हो, तो दोनों ट्रेन दिया हुआ, दोनों ट्रेन का क्या है उनका लेंथ भी होगा और दोनों मूव भी कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा इस केस में भी आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका लेंथ होगा वो क्या दोनों का ऐड हो जाएगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट की भी लेंथ है यहाँ पर, तो क्या लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड आपकी रिलेटिव स्पीड ही रहेगी, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट है जो वो मूव कर रहे हैं, अब वो डिपेंड करेगा कि वो सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरह से आप इस तरह से ट्रेन से रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल्स होगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स इसके रिगार्डिंग में आपको बता देता हूँ, जो कि इससे सिंगल न्यूमेरिकल्स होंगे, जिससे कि आपको एक आध दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप उसको इस तरह से इजीली